for creative studies. So today we will be doing the analysis of the paper BEGS 183, as you can see here, okay, this course, which is writing and study skills. Okay, so this course, as you can see, it is of 2 hours and of 50 marks. Okay, and you have to attempt all the questions. All the questions are compulsory. Okay, answer all the questions, and there might be some instructions in the questions where you have to follow the questions question instructions accordingly. तो यहाँ पर कुछ options हो सकते हैं, आपको उस हिसाब से answer को करना पड़ेगा, ठीक है. तो पहला question क्या है यहाँ पर, answer यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर आप देखोगे, answer any three, okay, of the following in around 100 words each. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर total में 4 questions है, 4 में से आपको कोई भी 3 करना है, ठीक है, एनी 3, ठीक है, एनी 3 यू हैव टू डू. तो पहला हम लोग जाते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं पेज नंबर में बता दूंगा, आई वुड बी टेलिंग अबाउट द पेज नंबर दैट इट इज़ देयर, व्हाट इज़ द पेज नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, बट आई वुड बी रेफरिंग टू द बुक, नॉट द SLM, द ESLM आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज आई हैव द बुक, सो आई एम रेफरिंग फ्रॉम दैट. बट हाउएवर आई विल बी टेलिंग कि वो कौन सा ब्लॉक में है और आपको कहाँ से वो खोजना पड़ेगा. अगर वो थोड़ा पेज का थोड़ा डिफरेंस हो तो आई एम टेलिंग फ्रॉम बिफोर हैंड ओनली कि ये मैं बुक से मैं ये चीज क्वेश्चन का आंसर मैं खोज के मैं बता रहा हूँ. बट द कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो पहला क्वेश्चन इज, वॉट आर होमोनिम्स, गिव एग्जाम्पल्स टू शो देयर यूजेज कैन क्रिएट, हाउ देयर यूजेज कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोनिम्स. तो हम लोग कभी देखेंगे कि व्हाट आर होमोनिम्स. तो देयर, अगर आप देखिएगा, द ब्लॉक 1 यूनिट 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.4 पेज 20 एंड 21. ओके, इफ़ यू सी, होमोनिम्स मीन्स वन वर्ड मेनी मीनिंग्स, ठीक है. होमो मतलब सेम, एंड निम्स मतलब नेम, ठीक है. तो होमोनिम्स का डेफिनेशन क्या है, होमोनिम्स आर वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स, ठीक है, समझ में आया. फिर इसके बाद क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द वर्ड क्लब हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स. अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे क्लब हुआ, एक क्लब यहाँ पर पिक्चर भी दे दिया गया है. एक क्लब आपका कोई भी कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल, एसोसिएशन कोई भी आपका जैसे होता है उसका. फिर क्लब एक हैवी स्टिक का है, ठीक है. फिर क्लब आपका क्लब ऑफ कार्ड्स भी है, जो आपका पैक ऑफ कार्ड्स होता है, ठीक है. जैसे अगर आप जानते होगे, इट इज़ अ पैक ऑफ कार्ड्स, ओके. फिर आपका सेकंड एग्जांपल दिया गया है बेड, जो आपका कोई बेड जो ले डाउन द बेड हो सकता है. फिर और एक हो सकता है, फॉर माय हस्बैंड इज़ बिजी प्रिपेयरिंग अ बेड फॉर द रोजेस, ठीक है. तो एक बेड फॉर द रोजेस हो सकता है. फिर हीट द करी थॉरली एंड सर्व इट ऑन अ बेड ऑफ राइस, मतलब उसका भी मीनिंग अलग हो सकता है. तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन द वर्ड हैज़ बीन यूज, द फर्स्ट सेंटेंस इन पीस ऑफ फर्नीचर, इन द सेकेंड कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड सेंटेंस द कॉन्टेक्स्ट इन द एरिया इज इन द गार्डन और सो दैट द प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन इट, वेर एज अ बेड ऑफ राइस इज इन अ रेसिपी वुड मीन अ लेयर ऑफ राइस, ठीक है. तो अगर आप देखिएगा ये क्वेश्चन के लिए, अगर आप बेड का एग्जांपल दीजिएगा तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि बेड का जो है, जैसे बेड आपका लेइंग डाउन ऑन बेड, ठीक है. फिर आपका ये आपका पेज नंबर 21 में मिलेगा आपको, ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.4 में, यूनिट ये 21 में आपको एग्जांपल मिलेगा बेड का एग्जांपल. तो पहले तो आप डेफिनेशन दे दिए पेज 20 से, फिर यू विल बी गिविंग द एग्जांपल ऑफ बेड. क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका आपका अगर देखिएगा तो कॉन्टेक्स्ट आपका डिफरेंट है. अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बहुत शॉर्ट ही बताना है, ठीक है. आप अगर सिर्फ एग्जांपल्स दे दोगे तब भी चलेगा, और उसके बाद यू विल बी गोइंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि गिव एग्जाम्पल्स टू शो हाउ देयर यूजेज कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, मतलब, ठीक है, ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये आपका क्या है, अगर आप देखोगे तो ESL, ठीक है, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, ESL, ओके. ये वाला अगर हुआ तो ये दिक्कत होता है कि किन लोगों के लिए, जो लोग न्यू बिगिनर लर्नर्स है, ठीक है, जो नए लर्नर्स है, ठीक है, उन लोग के लिए डिफ़िकल्ट होता है. क्यों,
क्योंकि उन लोग के लिए ना ये समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं ये चीज़ को समझाता हूँ, शायद आप कंफर्टेबल हो हिंदी में या बंगाली में या कोई भी और लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी ऐसा टाइप का सेंटेंसेस दिया जाता है जहाँ आपका जब सेंटेंस कोई बोल रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये आप कैसे करके समझोगे, जो आपका जो इंटेंडेड मीनिंग जो है वो आपका डिफर होते जा रहा है और सेंटेंस आपका वर्ड जो है उसका सेम ही रह रहा है, बेड ही है। जैसे शी वेंट टू हर रूम एंड ले डाउन ऑन द बेड, फिर माई हस्बैंड इज़ बिजी प्रिपेयरिंग अ बेड फॉर द रोजेज, फिर क्या है, हीट द करी थॉरली एंड सर्व इट ऑन अ बेड ऑफ राइस। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है एक नए लैंग्वेज लर्नर जो होते हैं, न्यू लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए। तो आपको हम एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जैसे हम लोग देखे थे ESL, इंग्लिश ESL मतलब इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, ठीक है। फिर है L1, ठीक है, ये चीज़ को आप देखिए L1 और L2, ठीक है, L2, वेट, विल जस्ट गेट दिस राइट, L2, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। से सपोज आपका हिंदी है आपका फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, आपका सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स ऑफ द इंग्लिश, तो हिंदी आप अगर आप सोचिए कि ये आपका हिंदी, ओके, आप हिंदी जानते हो, तो ये है आपका L1 और L2 क्या है आपका इंग्लिश, ठीक है, आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। तो आपका जो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब आप L1 से आप कोई भी अगर कोई वर्ड सीखने जाओगे तो आप क्या करते हो कि आपके जो सबसे कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है उससे आप सीखने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो जब आप एक हिंदी लर्नर के लिए या कोई भी लर्नर के लिए, जब सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के लिए या बंगाली लर्नर के लिए भी कोई अगर लर्नर है, वो जब L1 से L2 सोचता है, मतलब हिंदी से इंग्लिश वो सोचता है वो वर्ड के हिसाब से, तो उसका दिक्कत होता है। या आपका नेटिव जो होते हैं इंग्लिश के लिए, उन लोग वो कॉन्टेक्स्ट को फिर भी समझ जाएंगे, बट हम लोग क्योंकि ये चीज़ को समझने के लिए वो वी आर नॉट द नेटिव्स ऑफ इंग्लिश, दैट्स वाई वी हैव प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। अगर आप देख पाओगे L1 आपका से सपोज हिंदी या बंगाली या कोई भी आपका कोर्स है, और आपका जो लैंग्वेज है मदर टंग है, या आपका मदर टंग भी हो सकता है, ठीक है, मदर टंग आपका हो सकता है MT, ओके, मदर टंग है जो कि हिंदी है, और ये आपका इंग्लिश है जो कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप जो बता सकते हो कि न्यू लर्नर्स के लिए हो सकता है या सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, जो कि ESL भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो ESL जो है इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स, उन लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे टाइप के वर्ड समझने के लिए, क्योंकि उन लोग को जब सेंटेंस बोला जाता है तो उन लोग को इतना डेप्थ में पता नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर, ओके। ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 4 सब कॉन्टेक्स्ट 4.3.2 पेज 60 है बुक में, ठीक है, ये आपका हार्ड कॉपी के बुक में ये चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अभी ब्लॉक 2, ओके, ब्लॉक 2 यूनिट 4, ठीक है, ये आपका है 4.3.2, ओके। अगर आप देखिएगा पेज नंबर 58 में ये चीज़ दिया गया है, ओके, और यहाँ पर क्या बताया गया है कि विथ सूटेबल एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग क्या है, ठीक है। 4.3.2 का पेज आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका पेज 60 होगा, ओके। तो यहाँ पर प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग यहाँ पर दिया ही गया है, अगर आप देखोगे ये आपका कैन राइटिंग बी लर्नड का पेज 60 में है, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्लॉक 2 का है तो आपका पेज डिफर कर सकता है, ओके, ब्लॉक 2 का पेज डिफर कर सकता है सॉफ्ट कॉपी में। तो अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग बोल के एक राइटर्स देयर फॉर प्लान एंड देन रिवाइज देयर प्लान ड्राफ्ट एंड देन रिवाइज टू ड्राफ्ट्स राइट एंड देन री राइट, दिस इज नोन एज द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। इसमें क्या है, जैसे राइटिंग अ प्लान ABC तीन चीज़ है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, राइटिंग अ प्लान जहाँ पर आपको एक आउटलाइन आपको लिखना पड़ता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है इसमें, दिस मे बी इन पॉइंट एंड रिमेंबर दीज पॉइंट्स विल बी चेंज्ड इफ रिक्वायर्ड। तो आपका आउटलाइन का जो पॉइंट है, कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हो तो उसका एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा, या राइटिंग अ प्लान आपको प्लान से उसको राइट करना पड़ेगा। इनफैक्ट योर
प्लान मस्ट बी डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल. फिर है राइटिंग अ ड्राफ्ट, उसी के अंदर में है राइटिंग अ प्लान के बाद राइटिंग अ ड्राफ्ट. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्फिडेंसिंग, और थर्ड है रिवाइजिंग. अब कॉन्फिडेंसिंग क्या है, समटाइम्स इट मे बी इम्पॉसिबल टू डिस्कवर प्रॉब्लम्स इन योर ओन राइटिंग. आपके राइटिंग में बहुत टाइम है डिफिकल्ट होता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आपको क्या करना है, परहैप्स सम आइडियाज़ आर नॉट एक्सप्लेन्ड एडिक्वेटली और आर नॉट सीक्वेंस सेटिस्फैक्टरीली. देर मे बी मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर. फॉर दिस रीजन इट मे बी अ गुड आइडिया टू शो योर ड्राफ्ट टू अदर्स टू रीड. मतलब आप किसी को कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या रेफर कर रहे हो, ठीक है, तो इससे आपका हेल्प हो रहा है. ये जो सेकेंड पॉइंट है आपका प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग का. फिर है क्या, यू मे कंसल्ट योर टीचर्स, सीनियर्स और इवन क्लासमेट्स. ओके, फिर लास्ट क्या है, रिवाइजिंग. रिवाइजिंग क्या है, जिसमें आप रिव्यू द कमेंट्स ऑफ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इफ़ दे आर रीजनेबल. तो आप रिवाइज कर रहे हो कोई भी, आप फिर से आप फ्रेंड्स या टीचर्स से फिर से आप रिवाइज कर रहे हो या रिव्यू कर रहे हो. तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग. ठीक है, पेज नंबर 60 में, जो कि है ब्लॉक 2 यूनिट 4 सब कॉन्टेक्स्ट 4.3.2 बुक में. ओके, फिर क्या है, अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टोरेज स्किल्स, ब्रीफली डिस्क्राइब टू मेजर कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज स्किल्स. ये आपको मिलेगा ब्लॉक 3 यूनिट 8, ओके, सब कॉन्टेक्स्ट 8.3 पेज 143 बुक में. ओके, अगर आप बुक देखिएगा तो पेज 143 में आपको ये मिल जाएगा. तो इसमें शायद से थोड़ा बहुत ब्लॉक्स का डिफरेंस हो सकता है, तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. ओके, तो स्टोरेज स्किल्स का हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर टू स्टोरेज स्किल्स जो है, ये अगर आप देखिएगा तो स्टोरेज स्किल्स आपको पहले बताना पड़ेगा. स्टोरेज स्किल्स या आप बोल सकते हो रिटेंशन स्किल्स भी, अगर आप देखोगे तो ये आपका स्टोरेज स्किल्स, यू हैव टू गैदर द थिंग्स. ठीक है, तो इन दिस सेक्शन वी शैल कंसिडर द वेज इन विच वी कैन स्टोर द इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वी हैव गैदर्ड फॉर लेटर यूज. आप कोई चीज़ को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसका दो कैटेगरीज होता है, एक है नोट टेकिंग इन क्लास और दूसरा है नोट मेकिंग, दैट इज़ एट होम और इन लाइब्रेरी. यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है कि क्या है नहीं है. ये आपका पेज 143 में, ये है आपका ब्लॉक 3 यूनिट 8 सब कॉन्टेक्स्ट 8.3 में. ठीक है, ये आपका नोट टेकिंग और नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप स्टोरेज स्किल्स का डेफिनेशन दीजिएगा, जो यू कैन वी कैन स्टोर द इन्फॉर्मेशन और नॉलेज वी हैव गैदर्ड फॉर लेटर यूज़, और उसके बाद आप नोट टेकिंग और नोट मेकिंग का ऐसे दीजिएगा. क्वेश्चंस आपके ऐसे ही टाइप के आएंगे, क्लब्ड आएंगे, और इसीलिए मैं ये चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के जानने के लिए. ठीक है, क्योंकि आप स्टडी स्किल्स पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर क्या है कि नंबर 4 क्या है कि हाउ आर रिडक्शन डिवाइसेज यूजफुल इन नोट टेकिंग. ठीक है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सच डिवाइसेज. ठीक है, तो आपको देखना है, ये आपका ब्लॉक 3 में ही है यूनिट 9. ओके, इसके बाद वाले कॉन्टेक्स्ट में ही था कि आपका 9.4 सब कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा बुक में. ठीक है, हार्ड कॉपी जो बुक है उसमें, वहाँ पर पेज 155 और 156 में आपको रिडक्शन डिवाइसेस का मिलेगा. तो फर्स्ट रिडक्शन डिवाइस क्या है कि यू कैन यूज सिंबल्स. ठीक है, रिडक्शन डिवाइसेस क्यों ये है, इसमें पहले आपको डेफिनेशन देना है कि रिडक्शन डिवाइसेज आर एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन नोट टेकिंग. ठीक है, दे हेल्प यू सेव टाइम वेन यू आर नोटिंग डाउन समथिंग फ्रॉम अ बुक. तो यह आपका समय को आपको कम करता है और आपका समय भी बच जाता है इस चीज़ से. दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल वेन यू आर टेकिंग डाउन नोट्स फ्रॉम अ लेक्चर, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू कीप पेस विद द स्पीकर. आपको जब जल्दी जल्दी क्लास में आप कोई चीज़ लिख रहे हो या आपको कुछ जल्दी जल्दी नोट्स लेना है, तो आप शॉर्ट आप अगर देखिएगा तो सिंबल्स यूज़ करते हो या अब्रीविएशंस यूज़ करते हो, इससे आपका वो चीज़ को आप जल्दी जल्दी में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हो. ठीक है, योर टारगेट इज़ टू कंप्लीट द नोट्स. ठीक है, सिंस नोट्स डू नॉट कंटेन रिफ्लेक्टिव एंड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, रिडक्शन डिवाइसेज हेल्प टू गिव अ मोर ऑर्गेनाइज पिक्चर ऑफ दैट राइटर और स्पीकर इज सेइंग. तो रिडक्शन डिवाइसेज आपका नोट टेकिंग के टाइम में यूज़ होता है. ठीक है, जैसे क्या एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, जैसे बताया गया गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ सच डिवाइसेज, जैसे सिम्बल्स हो सकता है जिसमें एडोज है. ठीक है, आप कोई भी सिम्बल्स यूज़ कीजिए, मैथमेटिकल सिम्बल्स है, फिर आपका मैथमेटिकल सिम्बल्स में इक्वल्स टू, स्लैश, ठीक है, ग्रेटर दैन, लेसर दैन, ये सब चीज़ है. फिर क्या है, पेज 156 में अगर आप देखिएगा तो यू कैन यूज़ अब्रीविएशंस. अब अब्रीविएशंस भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सेकंड का SEC, ठीक है, मिनट का MIN. ठीक है, आवर का HR. ठीक है, ऐसे करके आपको करना है. ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट जो था
इसमें से आपको सिर्फ तीन करना है। अब अगर आप देखिएगा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट आपका शॉर्ट आंसर था, ठीक है, 3 × 5, अब ये एक ऐसे टाइप का आंसर है जो आपका अगर बोलिएगा तो मीडियम टाइप का आंसर है, ठीक है, ऐसे टाइप के आंसर्स आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कैसे करके आप आंसर देते हो, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट का आंसर का देखेंगे, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज यू अडॉप्ट टू बी अ क्रिटिकल रीडर, ओके, टू बी अ क्रिटिकल रीडर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पेज ब्लॉक 1 यूनिट 1 में देखेंगे, एकदम स्टार्टिंग में ही है ये, सब कॉन्टेक्स्ट 1.2.1 पेज 8, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन और इस साल भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका टेक्निक में भी आता है स्टडी स्किल्स के लिए। तो ब्लॉक 1 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.2.1 पेज 8 क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग क्रिटिकली, जहाँ पर एनोटेटिंग है, टेकिंग इन्वेंट्री है, आउटलाइनिंग है, समराइजिंग है, सिंथेसाइजिंग, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, रिफ्लेक्टिंग ऑन चैलेंजेस टू आवर बिलीव्स एंड वैल्यूज, इवैल्यूएटिंग द टॉपिक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल मैनिपुलेशन, जजिंग द राइटर्स क्रेडिबिलिटी। इसमें आपको ये चीज़ को समझाना है कि कैसे करके आप एनोटेट करते हो, ठीक है, कैसे करके आप चीज़ को इंटेल करते हो डिटेल्स पे या टेक्स्ट में, फिर आपको समराइज करना है, सिंथेसाइज करना है, कैसे करके आप एक रीडर होके कैसे करके आप कर सकते हो, ठीक है, आप रीड कैसे कर सकते हो या कैसे करके आप वो चीज़ को अच्छे से समझ कैसे सकते हो, आपको आउटलाइन करना है, फिर समराइज करना है, फिर कॉन्टेक्चुअलाइज करना है कि कोई हिस्टोरिकल या कॉन्टेक्चुअलाइज में अगर आप जैसे देखोगे कि हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या सब चीज़ है, ये सब चीज़ आपको बताना है। अब आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, आपका मिनिमम आपका जगह अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन आया तो आपको मिनिमम जो हेडिंग है एटलीस्ट उसको तो लिखना ही है, साथ में आपको इसको हर चीज़ को डिफाइन करना है बिकॉज यू हैव टू डिफाइन इट टिल 200 वर्ड्स पर क्वेश्चन। तो अगर आप पार्ट वन का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ऐसा टाइप का क्वेश्चन में, तो यू हैव टू राइट दिस फुल, ठीक है, एनोटेटिंग से लेके जजिंग द राइटर्स क्रेडिबिलिटी। इफ़ यू सी देर आर टोटल 11 पॉइंट्स हियर एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, और ये आपका जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 major types ऑफ स्टडी स्किल्स एंड शो हाउ दे हेल्प वन टू बिकम अ लर्नर, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अगर देखिएगा बुक से, ठीक है, फिर हम लोग अनसीन पैसेज में चले जाएंगे। तो हम पहले इसके बारे में बता देते हैं पेज नंबर का, तो ब्लॉक 3 यूनिट 8 बुक में अगर आप देखोगे ये आपका है सब कॉन्टेक्स्ट 8.2.1 पेज 134 और 135, ओके, आई विल जस्ट टेल यू द थिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या बताया गया है कि स्टडी स्किल्स इज़ द कीवर्ड, ठीक है, स्टडी स्किल्स इज़ द कीवर्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, क्रिटिकल रीडर और स्ट्रैटेजीज, ठीक है, ये दो आपका कीवर्ड था। तो स्टडी स्किल्स है आपका कीवर्ड और 3 major types, ठीक है, तो ये कीवर्ड आप देखिएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर गैदरिंग स्किल्स है, स्टोरिंग स्किल्स है या स्टोरेज स्किल्स भी बता सकते हो, और रिट्रीवल स्किल्स है, ठीक है, ये आपका पेज 134 में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब आप करोगे तो गैदरिंग स्किल्स, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो तो उसके बारे में गैदरिंग स्किल्स है, उसके अंडर में आपको रेफरेंस स्किल्स भी देना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। फिर है स्टोरिंग स्किल्स, रिटेंशन और रिट्रीवल, ठीक है, इसके अंदर में गैदरिंग स्किल्स के अंदर में जब आप देते हो तो छोटा सा करके स्किमिंग स्कैनिंग भी दे सकते हैं, बट ये याद रखिएगा कि ये 200 वर्ड्स का ही है, तो जस्ट शॉर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। बट मेन अगर आप देखिएगा तो गैदरिंग स्किल्स और रेफरेंस स्किल्स, गैदरिंग स्किल्स के अंडर में जो आपका परसेप्शन ऑफ कॉमा कॉम्प्रिहेंशन में आपका जो परसेप्शन है वो आपका दिखाया जाता है कि आप क्या आप गैदर कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब गैदर करना चाहते हो या रेफरेंस से आप कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो तो ये आपका गैदरिंग स्किल्स के अंडर में रेफरेंस स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको मस्ट लिखना ही है अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो ये आपका फिर से एक उठा के क्वेश्चन दे सकता है शॉर्ट में भी, ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, स्टोरेज स्किल्स हम लोग कुछ देर पहले ही देखे थे कि स्टोरेज स्किल्स क्या है, तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में ये आपका 8.3 में है, दैट इज़ पेज 143। इसके सारे कॉन्टेक्स्ट थोड़े अलग हैं इसीलिए कुछ थोड़ा पेज डिफरेंस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका 8.3 में पेज 143 में ये आपको मिलेगा, जहाँ नोट टेकिंग और नोट मेकिंग आपको बताना है अलॉन्ग विथ स्टोरेज स्किल्स का डेफिनेशन, ठीक है, छोटा ही है ये। आपको खाली जो मेन जो जैसे आप स्टोरेज स्किल्स लिखे थे
उसके बाद क्या आपका मेन है, नोट टेकिंग इन क्लास एंड नोट मेकिंग, इसका दोनों का डेफिनेशन आपको देना है। जो स्टोरेज स्टोरिंग स्किल्स आर ऑफ टू मेजर कैटेगरीज जो है ये आपको बताना है, ठीक है। फिर क्या है कि इसके बारे में आपको डेफिनेशन दे दिए नोट टेकिंग और नोट मेकिंग का भी। फिर लास्ट में आपका 8.3.1 जो कि आपका पेज नंबर 147 में आपको मिलेगा बुक में, दैट इज़ रिट्रीवल स्किल्स। अब रिट्रीवल स्किल्स क्या है, जो भी आप चीज़ अगर आप देखिएगा, वाइल राइटिंग इन एन एग्जामिनेशन और पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉन्फ्रेंस और सेमिनार, स्टूडेंट्स नीड टू समराइज देयर आइडियाज़ इन अ कोहेरेंट फॉर्म, कोहेरेंट फॉर्म, सो दैट देयर रीडर्स कैन अंडरस्टैंड देम। तो आपको ऐसे करके समराइज़ करना पड़ेगा जिससे आपका रीडर्स वो चीज़ को समझ पाए और आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे, ठीक है। और समटाइम्स दे मे हैव टू प्रिपेयर अ रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन रीडिंग, तो वो चीज़ को रिट्रीव किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो वो चीज़ को रेफर किया जा रहा है और वो चीज़ में आप वो चीज़ को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब आप कोई एग्जामिनेशन में दे रहे हैं या चीज़ को देखा जा रहा है, तो अगर आप देखिएगा ये आपका एक मेमोरी स्किल टाइप का है जहाँ पर आप चीज़ को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप लिख रहे हो, या आप कोई चीज़ में कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में आप जॉट डाउन कर रहे हो कि कैसे करके आप लिख रहे हो या बोल रहे हो, ठीक है। रिट्रीव करके आप उसको चीज़ को समझा रहे हो, ठीक है, कि रिट्रीवल स्किल्स, ठीक है। कोई चीज़ को आप रिट्रीव करके जो आपने पढ़ा है या समझा है तो उसके बारे में आप रिट्रीव कर रहे हो, ओके। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये जैसे पैसेज टाइप का होता है 7 मार्क्स का आपका, वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पोजिशन विद अ क्लियर बिगिनिंग बॉडी एंड कंक्लूजन, क्या है, ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबिलिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है, आप बोल सकते हो ऑनलाइन लर्निंग में क्या डिफिकल्टी है, लाइक इट इज़ समटाइम्स आपका पॉसिबिलिटीज़ अगर बोलिएगा तो जब लॉकडाउन था कोरोना वायरस पैंडेमिक में, तो यू कैन सी दैट यू ऑल हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टिल लर्न थ्रू ऑनलाइन मीडियम, ओके। एंड चैलेंजेस, एग्जाम्स टुक, एग्जाम्स वे लेट एंड समटाइम्स यू कुडंट गेट थिंग्स डन ऑन टाइम, सो दीज आर द चैलेंजेस यू कैन राइट। फिर क्या है कि राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल, फॉर्मल लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 10 डेज ऑफ लीव, ठीक है, 10 डेज ऑफ लीव। देखिए फॉर्मल लेटर लिखना है कॉलेज प्रिंसिपल को 10 डेज के लिए, ठीक है। आप बोलिएगा क्या करना है फॉर्मल लेटर में, पहले आप बताइएगा कि स्टार्टिंग में जैसे आप करते हो, ठीक है, कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज का आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर आपका कॉलेज का नेम दिए, फिर वहाँ पर आप एक आपको सब्जेक्ट भी देना है कि आप बोल सकते हो एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर द लीव ऑफ फॉर 10 डेज, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए आप बोल सकते हो कि आई एम सिक और आई एम नॉट वेल, और यू कैन से दैट यू आर गोइंग समवेयर, ये आपका दो चीज़ आप दे सकते हो। अगर आप बोल सकते हो कि यू हैव सम फंक्शन और समथिंग लाइक दैट जहाँ पर आप बाहर जा रहे हो, या यू कैन से दैट यू आर सिक सो यू नीड सम टाइम टू रिकवर, ये दो चीज़ आप बोल सकते हो ऐसा टाइप का अगर हुआ तो, ठीक है। फिर क्या है कि द रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर लोकेलिटी हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पुअर एंड द नीडी ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन दीज इनिशिएटिव्स। आपको रिपोर्ट राइटिंग देखना है, आप देख लीजिएगा इसके बारे में कि कैसे करके रिपोर्ट लिखना है, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा तो इसमें आप बोल सकते हो कि व्हाट सेवरल स्टेप्स यू हैव टेकन, ठीक है। राइटिंग अ रिपोर्ट का आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, मैं इसका की पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो व्हाट इज़ द की पॉइंट्स हियर, तो आप बोल सकते हो कि आप यू ऑल प्रोवाइडेड फूड क्लोथ्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ओके। इस चीज़ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि यू ऑल ऑल्सो प्रोवाइडेड सम असिस्टेंस एंड यू ऑल गैदर्ड सम यू ऑल प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू मॉनिटरी सपोर्ट एज वेल, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है, और रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको ज़रूर से देखना है, लेटर का भी फॉर्मेट आपको ज़रूर से देखना है फॉर्मल, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, क्या बताया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि पैसेज क्या है, जैसे मैं हमेशा ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि पैसेज का एक ओवरव्यू दिया गया है कि क्या है ये, ओके। तो यहाँ पर एक डिजीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कॉन्टेजियस डिजीज़, यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में दिया गया है कि व्हाट इज़ कॉन्टेजियस डिजीज़। अगर आप BNS 184 का पढ़े होंगे तो यही टाइप का आपका कुछ होगा कॉन्टेक्स्ट, कि पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी क्या था, तो वहाँ पर कॉन्टेजियस डिजीज़ था, ठीक है। फिर एपिडेमिक क्या है, ठीक है, पैंडेमिक क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिजीज़ के बारे में एक ये पैसेज दिया गया है। टू कट थिंग इन शॉर्ट, ये आपका एक ऐसा पैसेज दिया गया है जिसको आपको समराइज करना है और कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि व्हाट इज़ अ टॉपिक सेंटेंस, पहले तो आपको पूछा गया है कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका
डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, बट आप अगर देखोगे इसका खोजने में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि टॉपिक सेंटेंस आपको मिलेगा कहाँ, ठीक है। आपके बुक में अगर आप देखोगे ये है ब्लॉक 2 यूनिट 5 सब कॉन्टेक्स्ट 5.1 पेज नंबर 65। ओके सो जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अब अगर आप देखोगे कि व्हाट इज़ द पैराग्राफ, यहाँ पर डेवलपिंग ये आपका यूनिट 5 में है, ठीक है, ये आपका ब्लॉक 2 में यूनिट 5 में। ओके सब कॉन्टेक्स्ट 5.1 आपका अगर यूनिट देखिएगा डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स, एकदम स्टार्टिंग में ही है व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। और यहाँ पर यू नो अ पैराग्राफ इज़ यूनिफाइड बाय सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया और थीम। तो जो टॉपिक्स जो है आपका पैराग्राफ का वो आपका सेंट्रल थीम है, आइडिया या सेंट्रल थीम है, ठीक है, एक पैराग्राफ का। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सिंपली सी द पैराग्राफ बाय वन सेंटेंस विच इज़ यूजली कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस। यू कैन राइट द टॉपिक सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट और इवन अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका कहाँ हो सकता है, दिस टॉपिक सेंटेंस कैन आइदर राइट इन द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ और एट द एंड और इवन द मिडिल ऑफ अ पैराग्राफ। वेरी ऑफन यू कैन फाइंड दैट देयर मे बी नॉट अ टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ बट इट मे बी इम्प्लाइड विद इन द पैराग्राफ, ठीक है। तो बहुत टाइम में आपको क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है टॉपिक सेंटेंस। ये आपका 5.2 में भी दिया गया है कि यहाँ पर वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस और क्या दिया गया है, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है, कॉन्टेजियस डिजीज़ के बारे में आपका एक दिया गया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो टॉपिक सेंटेंस आपका यहाँ से हो सकता है कि डिजीज़ के बारे में आप बोल सकते हो कि जैसे एपिडेमिक इज सडन डिजीज़ और आउटब्रेक affects a large number of people in particular region, community or population, ठीक है। फिर disease के बारे में आप दे सकते हो, या आप ऐसे type के भी बोल सकते हो कि आपका topic sentence आपका particularly एक चीज़ को define कर रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कौन सा type का disease है, ठीक है, topic sentence आपका इसी के ऊपर में होगा। जैसे contagious disease से यहाँ पर start हुआ था, फिर यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे कि epidemic में यहाँ पर shift हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपका दो दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंट्रल चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा डिजीज़ के ऊपर में बताया गया है, तो आपको यही बताना है कि ये डिजीज़ के बारे में है, तो टॉपिक सेंटेंस इज रिलेटेड टू डिजीज़, ठीक है। तो कॉन्टेजियस डिजीज़ के बारे में आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेजियस डिजीज़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इट विल बी दिस वन इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, क्योंकि आपका ये जनरल टॉपिक है जो कि स्प्रेड हो रहा है कॉन्टेजियस डिजीज़ के ऊपर में ये चीज़ बताया जा रहा है, और एपिडेमिक और पैंडेमिक भी आपका कॉन्टेजियस डिजीज़ के वजह से ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, जब आप फर्स्ट रीडिंग में करोगे तो बहुत टाइम है आपको समझ में नहीं आएगा। यू ऑल सी 5.2 कि कैसे करके आप टॉपिक सेंटेंस को डेवलप कर सकते हो, उसका एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फिर गिव अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, तो आप कोई भी टाइटल जैसे देते हो वैसे ही आप दोगे कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट डिजीजेस, तो यू कैन से द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड यू कैन से कॉन्टेजियस डिजीजेस एंड इट्स वेरियस सिम्टम्स, ओके इसके बारे में आप बता सकते हो, या ये भी बता सकते हो कि डिफाइनिंग अ कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। एक कोई भी आप टॉपिक ऐसे करके आप टाइटल दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, जैसे आप समरी आप देखे होगे कि क्या है, आपको समरी इन योर ओन वर्ड्स अराउंड 75 वर्ड्स, ठीक है, 75 वर्ड्स में आपको करना है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ को आपको रीराइट करना है, बट ये आपका ओन वर्ड्स में रहेगा, ठीक है। इसमें आप खुद में ये सेंटेंस को फिर से आप रीराइट करके कीजिएगा, तो 75 वर्ड्स में आपको पूरा फिट करना है, जहाँ पर मेन पॉइंट क्या होगा, जैसे कंटेजियस डिजीज़ हो गया, फिर आपका एपिडेमिक के बारे में आपको बोलना है, पैंडेमिक के बारे में बोलना है, फिर क्या करना है आपके बारे में कि आपको बताना है कि इसमें सिम्टम्स क्या है, ये इसके बारे में आपको देना है कि लेवल ऑफ इम्यूनिटी वो बहुत ज़रूरी है, फिर एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में आपको बताना है। ये आपका मेन की पॉइंट्स रहेगा आपके चीज़ में। अब यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में बता दे रहा हूँ, पैसेज तो आपको करना ही है, आप देखिएगा कैसे करके आपको करना है, मैंने एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। और 5.2 डेवलपिंग द टॉपिक, जो आपका टॉपिक सेंटेंस है पेज 67 का, ये आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स, आप ज़रूर से ये चीज़ देख लीजिएगा, सब कॉन्टेक्स्ट 2.3
ब्लॉक वन यूनिट टू में, क्योंकि मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज दे रहा हूँ। फिर जैसे लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कंपाउंडिंग और अफिक्सेशन, ये तो है ही, और कोहेरेंस और कोहेशन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई थिंक दैट यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द पेपर एंड वट टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट कम। इट इज़ अ 50 मार्क्स पेपर एंड इट इज़ अ 4 क्रेडिट कोड, सो इट विल बी 2 आवर्स ओनली। सो यू हैव टू राइट फास्ट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एज वेल। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ BEGS 183 एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।